वेलकम ऑल, टुडे वी स्टार्ट क्लास 8 कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके तो बेटा देखिए 8.3 हमारी एक्सरसाइज है। ये कौन सी एक्सरसाइज है? 8.3। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, हम इसका आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए बेटा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीजें हैं? लेट कर लीजिए 100 रुपीज का आपके पास एक अमाउंट है। कितना अमाउंट है? 100 रुपीज का एक प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास। आपको क्या हुआ, इसके 10% इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है। तो 10% हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा? 10% आप करेंगे तो 100 × 10/100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 रुपीज आ जाएगा। तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगा क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, दैट मीन 100 + 10 = 110। अमाउंट कितना बन गया? मेरा अमाउंट बन जाएगा 110। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट ईयर के लिए हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट ईयर के लिए। अब सेकंड ईयर की बात करूंगा, तो सेकंड ईयर का मतलब क्या होता है? अब अमाउंट को क्या करूंगा, सेकंड ईयर में भी सेम इंटरेस्ट अप्लाई होगा उसके ऊपर, सेम इंटरेस्ट अप्लाई होगा, क्योंकि आप जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, प्रिंसिपल रेट इंटू टाइम बाय 100। तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा 100 है, रेट आपका 10 है, टाइम आपका 2 है, डिवाइड बाय 100, तो आपके पास क्या हो जाएगा 20। दैट मीन्स टू ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होना? 20। दैट मीन्स अगर फर्स्ट ईयर के लिए 10 था, तो सेकंड ईयर के लिए भी इंटरेस्ट क्या होगा आपका? 10 ही होगा। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया नाउ? 100 + 20 = 220 आफ्टर 2 ईयर। क्या हो गया आपका? आफ्टर 2 ईयर। क्लियर? कोई दिक्कत? 2 साल के बाद आपका इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। ठीक है, अब हम ये देखें तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई, हम बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मीन्स होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट आपको स्टार्टिंग में भी बताया गया था। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी यहाँ पे क्या अप्लाई होता है? इंटरेस्ट अप्लाई होता है। लाइक देखिए 100 है, तो 100 पे जब हमने फर्स्ट ईयर के लिए, देखिए फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर पे 100 रुपीज तो होगा ही, उस पर 10 रुपीज इंटरेस्ट लग जाएगा। क्या होगा? 10 रुपीज इंटरेस्ट लग जाएगा। जब सेकंड ईयर की बात करेंगे तो सेकंड ईयर में क्या होता है बेटा, पहले साल में 100 + 10 बन चुका था, अब क्या होगा, इस 10 के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, इस 10 के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगेगा। दैट मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 100 + 10, फिर आपके पास देखिए दोबारा ध्यान से समझना बेटा, 100 आपका आ गया, देखिए ये आपका 110 हो चुका है। ठीक है, 110, फिर आप देखिए 100 पे वापस 10, और 100 का तो इंटरेस्ट आपका 10 बनेगा नेक्स्ट ईयर, और 10 का इंटरेस्ट आपको कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 121 आ जाएगा। इसको फॉर्मूले के थ्रू हम समझ लेते हैं। फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट ईयर के लिए देखिए बेटा हमने क्या किया था, प्रिंसिपल 1 + रेट / 100, यहाँ पे अमाउंट निकलता था हमारे पास है फर्स्ट ईयर के लिए, प्रिंसिपल 100 है, 1 + 10/100 power t आपका 1 कैंसिल आउट हो गया, 110 11/10 कैंसिल आउट हो गया, तो आपको कितना आ गया? 110। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर ऑलवेज सेम होता है। हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। क्या बात करते हैं? सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में देखिए आपके पास अगर अमाउंट की बात करूं, प्रिंसिपल 1 + rate / 100 to power t। क्लियर? तो अगर देखेंगे प्रिंसिपल 100 है, रेट 1 + rate 10/100 to power t कितना है? 2 है, कैंसिल आउट हो गया, 111/10 का स्क्वायर आ गया आपका 100 × 121/100 कैंसिल आउट हो गया, आप देखिए 121। अब देखिए डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ पे हमारे पास सॉरी 121 आ चुका है हमारे पास, यहाँ पे 100 प्लस हमारे यहाँ पे 220 लिखना था हम लोगों को। अब देखिए यहाँ पे सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 121, 1 रुपए बढ़ गया है। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 120। ऐसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, जो 10 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आया था उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट लग गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा बेस बनेगा, यहाँ पे जो भी हमने पढ़ा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे बेस बनेगा। ठीक है, तो समझना बेटा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर दोबारा इंटरेस्ट अप्लाई होता है आपका, टोटल 110, उसके ऊपर इंटरेस्ट देखिए 110 बना फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में क्या बना आपका 110 तो था ही, फिर इस 100 का इंटरेस्ट देखिए आपके क्या हुआ, सेकंड ईयर में हुआ क्या, यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं किया हम लोगों ने, ये पूरा अमाउंट था 110 तो था ही, फिर हमने 100 नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट हो 100 पे 10 रुपीज इंटरेस्ट लगा, और इंटरेस्ट के पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 1 रुपीज इंटरेस्ट हो गया इसका, क्योंकि 10 का 10% कितना होगा? 1 होगा। तो आपको कितना आ गया? 121 रुपीज बन गया, जो हमने आगे निकाल लिया है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ये बेसिक थिंग थे इसके। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में आपका हर साल सेम इंटरेस्ट बनता है, लेकिन कंपाउंड में आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, कमला बोरो 26,400 फ्रॉम बैंक टू बाय स्कूटर ऑफ 15%। ठीक है, कमला ने क्या करा, किसी अमाउंट बैंक से अमाउंट लिया 26,400 रुपीज का, क्या लिया कमला ने, अमाउंट लिया, किस रेट पे लिया, या आपका 15% के रेट पे उसने बैंक से पैसे लिए, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, पर एनम की बात कर रहे हैं यहाँ पे,
पर एन एम मीन्स होता है कि ईयर के हिसाब से हम पे करते हैं, ठीक है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ टू ईयर एंड फोर मंथ, ठीक है। टाइम कितना हमारे पास, टाइम है टू ईयर एंड फोर मंथ, टू ईयर एंड फोर मंथ्स, क्लियर। टू ईयर एंड फोर मंथ्स हो गए टू क्लियर द लोन, ओके। तो आप देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, टू ईयर के लिए लोन निकालते हैं, टू ईयर के लिए हमारा कितना बना, ठीक है। तो अमाउंट देखिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वन प्लस रेट बाय 100 टू पावर टी, इस चीज का ध्यान रखना है, पर एनम की बात हो रही है तो पर एनम के हिसाब से ही हम चलेंगे। तो प्रिंसिपल है 26,400, वन प्लस रेट कितना है 15 बाय 100 पावर टी आपका हो गया 2, 5,315,520 आपके पास आ गया, 26,400 23 बाय 20 इसका आपका स्क्वायर आ जाएगा 26,400 इंटू 23 इंटू 23 डिवाइड बाय 400 आपका हो गया, इससे कट हो गया, ठीक है। और आपके पास 23 इंटू 66, अगर आप इस टोटल का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा 3,434,914 रुपीज मिलेगा। तो इतना आपको दो ईयर में इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, दो ईयर में इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा, लेकिन अभी हमारे पास फोर मंथ का रह गया है, ठीक है, फोर मंथ का रह गया है। तो इंटरेस्ट फॉर फोर मंथ, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर फोर मंथ, ठीक है। तो फोर मंथ के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 4/12 दैट मींस 1/3 बनेगा, ठीक है। और रेट हमारे पास देखिए, रेट हमारे पास क्या है यहाँ पे, रेट हमारे पास वही 15% का रेट हमारे पास आ रहा है, इंटरेस्ट फॉर फोर मंथ। फोर मंथ के लिए देखिए बेटा, ईयर के लिए इंटरेस्ट निकाल रहे थे यहाँ पे, फोर मंथ के लिए क्या होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 1/3 आ गया, ठीक है, 1/3 हो गया, 4 आपका 1/3 होता है। अब आपसे क्या बोला गया है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपसे बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट आगे देखिए, अब हमारे लिए इसके लिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकलता है बेटा, ध्यान रखना है, नेक्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा यहाँ पे पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया 34,914 इंटू रेट हमारे पास आ गया 15% और टाइम आपका 1/3 डिवाइड बाय आपका कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है। आपका टाइम 1/3 है, रेट आपके पास आपका 15%, टाइम सॉल्व करा तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास है 1745.70 रुपीज आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया। किसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, जो आपके लिए 1/3 मंथ का, दैट मींस 4 महीने का जो इंटरेस्ट था उसका हमने निकाला है, क्लियर है। अब टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं, तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कितना हम पे कर रही है जो यहाँ पे टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगा, इस अमाउंट को एड करेंगे 34,914.1745.70, ठीक है। तो आपका 07.549415976426, तो कितना हो गया 36,659 आपके पास कितना आ गया, ये दिस इज द टोटल अमाउंट विच इज पेड बाय कमला टू बोरो अ स्कूटर, स्कूटर को बोरो करने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, सबसे पहले बेटा यहाँ पे टू ईयर फोर मंथ है, तो टू ईयर के लिए हम लोगों ने क्या करा, कंपाउंड निकाला। कंपाउंड निकालने में जो हमारे अमाउंट बनता है, दिस अमाउंट इज यूज फॉर प्रिंसिपल, दिस अमाउंट इज यूज फॉर प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट फोर मंथ, अगले चार महीने के लिए दिस अमाउंट इज यूज एज अ प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट फोर मंथ। नाउ फोर मंथ इज कन्वर्टेड इनटू ईयर, फोर मंथ इज हाउ इज कन्वर्टेड इनटू ईयर, 1/3 ईयर, फोर मंथ इज कन्वर्टेड इनटू ईयर, दैट मींस 1/3 ईयर, हियर रेट इज 15%। नाउ वी वांट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। नाउ सिंपल इंटरेस्ट इज 1745.70, टोटल अमाउंट इज दिस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट विल बिकम द टोटल अमाउंट विच इज पेड बाय कमला टू पे टू परचेज द स्कूटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फेविना बोरो 12,500 पर ईयर 3 ईयर फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड राधा बोरो सेम अमाउंट सेम टाइम फॉर 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, हु पे मोर इंटरेस्ट एंड बाय हाउ मच। तो देखिए जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमने डिस्कस किया क्यों था, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे बेटा, एक पर्सन क्या कर रहा है, उतना ही अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे ले रहा है, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है, उतना ही अमाउंट किस पे कर रहा है बेटा, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट पे ले रहा है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे यहाँ पे बेटा, एक पर्सन है फेविना, एक पर्सन हमारे पास यहाँ फेविना है, दूसरी जो हमारे पास यहाँ पे है राधा है, ओके, एक राधा है फेविना है। तो देखिए दोनों का जो अमाउंट है, यहाँ पे हम बात करें तो दोनों जो अमाउंट पर लिया है यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 12,500 रुपीज, इनकी जो कॉमन चीजें बीच में लिख देता हूँ, प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का 12,500 रुपीज लिया गया है, ठीक है।
और आपका जो दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 10% का दोनों के लिए इंटरेस्ट है। क्लियर है? नाउ टाइम इज फॉर 3 ईयर। टाइम आपके पास यहाँ पे क्या है, टाइम आपका 3 ईयर है। क्लियर है आपका? टाइम आपका क्या बेटा यहाँ पे 3 ईयर है। टाइम 3 ईयर है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास पहले के लिए जो है सिंपल इंटरेस्ट है, फेविना सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट को पे कर रही है, और जो राधा है किस पे कर रही है बेटा, बोरा सेम अमाउंट सेम टाइम फॉर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट पे किया जा रहा है। क्लियर है? तो देखिए अमाउंट की बात करते हैं, कितना अमाउंट यहाँ टोटल बना। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं बेटा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 12,500, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर, कैंसिल आउट हो गया। ये देखिए बेटा आपका 5315132617313, ठीक है, इंटू, तो आपके पास आ गया सिंपल इंटरेस्ट 3750 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया बेटा आपका 3750 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। टेन परसेंट पर एनम, ठीक है। तो आपके पास देखिए 5315132617313 और आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा बेटा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 12,500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 3750, तो ऐड कर लेंगे आपका 3750 का ऐड करके देखिए 0575123215516, तो आपका आ गया 16250 डायरेक्ट अमाउंट फाइंड आउट होता है। ध्यान रखना बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत है, यहाँ पे डायरेक्ट हम अमाउंट ही फाइंड आउट कर लेते हैं। 12,500 वन प्लस रेट 10 है, 10/100 पावर कितना आ गया 3, कैंसिल आउट हो गया। 12,500 11/10 आपका क्यूब आ गया 12500 11/10 × 11/10 × 11/10, ओके। दिस अमाउंट फॉर 3 ईयर कैंसिल आउट हो गया 2 जीरो से आपका 5210 आपके पास यहाँ आ जाएगा बेटा 5210 5525 and 212.5 आ जाएगा। तो आपके पास 12.5 × 121 × 11 तो आपका 12.5 × 1 2 1 3 2 1 3 1 3 3 1 आ गया। क्या आ गया बेटा 1331 आ गया, ठीक है। अब देखिए 1331 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपको किससे, 12.5 से 12.5 515 5315 1 5315 1 16 1 5 6 हो गया 212 326 326 212 1331, चेक कर लेते हैं आपके 5 5 2 7 6 6 12 1 13 6 6 12 13 3 16 1 3 2 5 1 6, तो आपके पास आ गया बेटा 16637.5 रुपी 1663। अब देखिए दोबारा मल्टीप्लाई एक बार चेक कर लेते हैं 515 5315 5315 1 16 5315 1 16 1 5516 हो गया आपके पास 212 ये हो गया आपका 5 2 7 6 6 12 1 13 6 6 12 3 15 1 16 3 2 5 1 6 आपका आ गया तो 16637.5। तो देखिए यहाँ पे 16,250 है, यहाँ 16,637 है। तो ध्यान रखना बेटा जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, फॉर फर्स्ट ईयर, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए दोनों सेम होते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर के लिए बोथ आर सेम, फॉर फर्स्ट ईयर बोथ आर सेम, फर्स्ट ईयर के लिए बेटा दोनों के दोनों सेम होते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट हमेशा किसके इक्वल होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के इक्वल होता है। कब होता है, जब आपके दोनों फर्स्ट ईयर के लिए दोनों के दोनों सेम होते हैं। सेकंड ईयर में धीरे धीरे करके कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, बिकॉज जो इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी यहाँ इंटरेस्ट लगने लग जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे ही इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 250 था आपके पास, यहाँ पे अगर 250 को हम यहाँ देखें तो 250 और आपका 137, तो 250 350 387 आपका ये एक्स्ट्रा रुपीज आ रहे हैं। क्लियर है? नोट डाउन करिए। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट विच इज रीड इन दिस वीडियो। जो आपको इस वीडियो में बताया वो सारे कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट किस तरह लगता है, सिंपल इंटरेस्ट किस तरह निकालते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा।